नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आतंकवादी हमले से हम नहीं डरेंगे, संदेश दिया है बाबा बर्फानी के भक्तों ने। कल रात अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला किया गया, 7 श्रद्धालु मारे गए। लेकिन बाबा के भक्त इस हमले से डरे बगैर अब से कुछ ही देर पहले जम्मू स्थित बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। बम बम भोले का जयकारा करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच कुल 3,279 अमरनाथ यात्रियों का जत्था आज रवाना हुआ। इस बात का संदेश देते हुए कि दहशतगर्द लाख साजिश रच लें लेकिन वो कभी जीत नहीं पाएंगे। कोई डर नहीं, भोले बाबा साथ में है, बस बाकी हम लोग के साथ प्रशासन है ही कुल नहीं, क्योंकि बाबा के दरबार जा रहे हैं, बाकी बाबा तो हैं साथ में, प्लस न्यूज है, वो सब कोई हम लोगों के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई डर नहीं है, बाबा की कृपा है। सीआरपी हमारे मिलिट्री वाले लगे हुए हैं, वो खुद ना उत्साह किए हैं, बहुत सुरक्षा से चाक चकुंद है। आप हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, बस हमारे साथ सीआरपीएफ वाले हैं तो हमारा खौफ बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई किसी प्रकार का ना किसी को डर है ना कोई खौफ है। हम सब लोग जो है बाबा के दर्शन करने जाएंगे, खुशी मन से जा रहे हैं। तो भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है, भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आज भी अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार। कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा अटैक किया, मगर लोगों में कोई डर नहीं, खौफ नहीं है। यात्रा रवाना हो चुकी है, करीब यहां पर 2:15 बजे जो यात्रा यहां से रवाना कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों का जत्था जो है यहां से जो है रवाना हो चुका है। ये लोग जो है बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुए। लोगों में काफी जोश है, उत्साह है। और इनसे कुछ लोगों से, जी आप कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से आए हैं। कोई डर खोफ यात्रा पर अटैक हुआ? कुछ नहीं, डर खोफ नहीं है जी। आपको कोई डर खोफ? कुछ भी नहीं है जी, कोई डर खोफ नहीं है। आप देख रहे हैं यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी गई है और किस तरह से यात्रा जो है यहाँ से बालटाल पहलगाम के लिए रवाना की गई है। अभी यात्रियों पर जो अटैक हुआ उसमें 7 यात्री मारे गए हैं, 19 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से महाराष्ट्र और गुजरात के लोग हैं। मगर लोगों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, लगातार जो है यात्रा जो रवाना हो रही है। कैमरा सईद अली से अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला किया गया। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर सामने से ताबड़तोड़ गोलियां दागी। आतंकी गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई और इस हमले के बाद कश्मीर से दिल्ली तक खलबली भी मच गई है। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि यात्रा जारी रहेगी। पंद्रह साल बाद फिर हुआ आस्था पर आघात। तीर्थ यात्रियों पर आतंकियों ने बरसाई गोली। महादेव के जयकारे के बीच गोलियों की गूंज। ये अफरा तफरी आतंकी हमले के तुरंत बाद की है, क्योंकि यहीं पर गोलियों की तड़तड़ाहट ने अनंतनाग की खूबसूरत शाम को कोहराम में तब्दील कर दिया। बाबा बर्फानी के भक्तों पर आतंक की गोलियां चलने लगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बटेंगु के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इसी नंबर की यह बस बालटाल से मीर बाजार की तरफ जा रही थी, अचानक अनंतनाग के बटेंगु क्षेत्र में बस के सामने हथियार बंद आतंकिया धमकी। संदेह है कि आतंकी AK-47 राइफल से लैस थे और उनके निशाने पर बस में बैठे वो श्रद्धालु थे जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद खुश होकर कश्मीर की वादियां देखने निकले थे।
हम इस वक्त अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और जैसा आप देख रहे हैं यही पर इन सारे यात्रियों को लाया गया है। करीब 9 से 10 लोग यहाँ इस वार्ड में हैं और कुछ करीब 5 लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा जख्म आए हुए हैं और उनको श्रीनगर के कई हॉस्पिटलों में भेज दिया गया है। इन लोगों से बात करें तो यही साफ होता है कि अचानक से ये हमला हुआ और इनकी गाड़ी इस हमले के बीचों बीच थी। इन्होंने हमको ये भी कहा कि गोलियां चारों तरफ से आ रही थी। बताया जा रहा है कि जिस बस पर हमला हुआ वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की लिस्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। यही वजह थी कि बस के साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे। वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि यात्रियों की गाड़ी जो है वो कॉन्वॉय में निकाली जाती हैं और उनको एस्कॉर्ट दिया जाता है। तो आज जितने भी कॉन्वॉयज थे, चाहे वो नीचे से जम्मू साइड से आ रहे थे पालटाल या पहलगांव की तरफ या ऊपर से यात्रा करके लौट रहे थे, वो सब कॉन्वॉय निकल रहे थे एस्कॉर्ट के साथ। ये गाड़ी जो है ये अलग से आ रही थी और ये रजिस्टर्ड भी संभवता नहीं थी जो इनका बोर्ड है यात्रा का बोर्ड के साथ, तो उसमें जो है वो इस कारण से इसके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं था। आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो लोग आतंक की गोली से मारे गए उनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। गोलियों से कई यात्री घायल हुए, 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में बस के ड्राइवर का बेटा भी है। सभी घायलों को अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ घायलों का हाल चाल जानने राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहुँची। महबूबा मुफ्ती ने आतंक के इस खूनी खेल का सख्त लहजे में विरोध किया। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडम करने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लोग जो भी इसके मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सारे कश्मीर के समाज के लिए एक चैलेंज है, मॉरल चैलेंज कि ये न इस्लाम है, न जहाद है, न आज़ादी है, न सियासत है। अगर ये चीज़ है तो हम जैसे लोग तो नहीं है। आतंकियों ने इस बार छिप कर नहीं बल्कि सामने से हमला बोला था। बस यात्रियों को निशाना बनाने से पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला किया था। कहा जा रहा है कि एक बाइक पर 2 आतंकी सवार थे। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों के बस पर फायरिंग की। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताकर आतंकी आए और गोलियां बरसाकर भाग गए। अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इश्तियाक अहमद सोफी के साथ शुजाउल हक, अनंतनाग, आज तक। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है जिनमें 5 गुजरात के हैं जबकि 2 महाराष्ट्र के। हमले में सबसे ज्यादा 3 लोग गुजरात के वलसाड शहर से मरे हैं। इन्हीं में शामिल हैं लक्ष्मी बेन जिनके घर में मातम पसरा हुआ है। इसके अलावा 6 अन्य लोग हैं जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने की वजह से उनकी मौत हुई। आतंकी बस के आगे आए और वहां से लगातार फायरिंग करते रहे। आतंकवादी हमला हुआ तो वो बस के अंदर मेरी मम्मी भी थी। फिर व्हाट्सएप पे देखा पुलिस में नाम आया तो उसमें पक्का है। यहाँ से पुलिस लोगों ने आपको क्या जानकारी दी? पुलिस लोगों ने हमले कोई जानकारी दी नहीं है। हमको जहाँ से मिली जानकारी हम लोग कंप्लेन लिखा दिए। अभी पुलिस हमारी काम मदद करेगी, वो हिसाब से हम आगे चलेंगे। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रियों की बस कैसे आई? क्या आतंकियों को पहले से मालूम था कि इसी रास्ते से अमरनाथ यात्रियों की बस गुजरने वाली है? क्या आतंकी पहले से घात लगाकर बैठे थे और जब आतंकियों ने गोली बरसानी शुरू की उस वक्त क्या हुआ? आतंक की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद श्रद्धालु उमंग में थे। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं को एहसास भी न रहा होगा कि आतंक की गोलियां उन्हें छलनी करने के लिए उनकी तरफ यूं बढ़ेंगी। वक्त था करीब 8:15, जगह खानबल।
इसी वक्त आतंकियों की बंदूकों ने आग उगलना शुरू किया। सबसे पहले आतंकियों ने अनंतनाग में चेक पोस्ट पर हमला किया। आतंकियों के इस अप्रत्याशित हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। हमला करने के बाद आतंकी खानबल से बटिंगू की तरफ फरार हुए। करीब 2 घंटे बाद, वक्त करीब 10:20, यही वो वक्त था जब आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग शुरू की। एक बाइक पर 2 आतंकी सवार थे, दोनों ने सामने से ही बस पर हमला किया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने गोलियां बरसाई उनके 2 साथी और थे, यानी कुल 4 आतंकी। गोलियां बरसाकर आतंकी तो चले गए, मगर बस में तो चीख पुकार का आलम था। आपको सुनाते हैं उस शख्स का बयान जो उस वक्त बस में सवार था। आप क्या उस बस में थे जहाँ पे अटैक हुआ? आप उस वक्त बस में आ गई था, मैं बैठा हुआ। आप उसी बस के अंदर थे जिसमें अटैक हुआ योगेश भाई? अंदर ही था। आप पहले ऐसे शख्स हैं जो कि उस बस में थे जिसमें अटैक हुआ, जो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ? आप कहां से आ रहे थे, क्या हुआ योगेश भाई? हम लोग अमरनाथ जी का दर्शन करने निकले थे कल श्रीनगर से। आज शाम को 5 रवाना हुए थे कटरा जाने के लिए। ओके, तो फिर हमारा थोड़ा आगे 4 किलोमीटर आगे जाके पंचर हो गया, तो 2 घंटा हमारा वहाँ निकल गया। फिर हम लोग निकले और ये अनंतनाग से आगे 2 किलोमीटर पहले जो श्रीनगर वाला रास्ता है वहीं से हमारा सामने से फायरिंग हुई। सामने आगे के सीधा पूरा टूट गया और साइड का राइट साइड का पूरा सब एकदम अंडरटूट फायरिंग हुई, समझो। सुना आपने, 5 बस श्रीनगर से कटरा के लिए निकली। श्रीनगर से करीब 5 किलोमीटर आगे जाकर बस का टायर पंचर हो गया। टायर ठीक करने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग गए। बस का टायर पंचर नहीं हुआ होता तो संभव था कि तीर्थयात्रियों का सामना आतंकियों से न होता। बस में हम दूसरा सफर कर रहे थे और ये ड्राइवर को भी सामने से फायरिंग हुई, लेकिन शीशा भी पूरा ये हो गया, डैमेज हो गया। फिर उसने हमने बोला कि गाड़ी पकाओ, तो हमने गाड़ी, उसने ड्राइवर ने पूरा झुक के भी गाड़ी पूरा आगे ले लिया, पूरा पका लिया। इधर तक हम कैंप तक आए 1.5-2 किलोमीटर तक आ गए गाड़ी पका के। अंदर तो सब लोग चिल्ला रहे थे, सबको लगी थी, 15-16 आदमी को लगी थी और सब 2-4-5 लगभग 6 या 7 कुछ डेट पड़ी है, ऐसा कुछ बोला है हम लोगों ने। अभी शिनाखत कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल की चारपाई पर मौत को मात देकर अचेत लेटे हैं ये लोग। ये वही श्रद्धालु हैं जिनका सामना आतंकियों से हुआ। इनके ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और फिर जहां रुकी वहां पर पुलिस और लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको, उन्होंने इनको वहां से निकाला और इनकी मदद की। ये पूरा का पूरा हादसा करीब 8 के करीब हुआ है। खुद इनकी जुबानी सुनिए जिन्होंने आतंक की शक्ल में साक्षात मौत देखी। मैं कंडक्टर की नौकरी करता हूं सर, तो मेरे सेट के लड़के चालू हो गया गोली बारे। आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? हाँ। अच्छा। और मेरा सेट के लड़के ने बोला भाई जुड़ जले, तो खून बुन सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो, 3-4 जन अंदर आने लौट के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगा उसको गाड़ी जल्दी, रुकाऊ मत, सटा से रुका तो दोनों तरफ से फायरिंग चालू कर दिया उन लोगों ने। फिर आए लोग आपको बचाने के लिए आए कोई? वही नहीं, हमारे पास डायरेक्ट उसके पास चले गए, कैंप के पास चले गए सब। अच्छा। उधर रुके सब कर दिया हम लोग मिलिट्री वाले। जितने चश्मदीद हैं आतंक की उतनी कहानियां हैं ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहाँ गिनेंगे, आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो गिनने को कौन बैठेगा, कोई गिर गया, कोई बुमा बुम करने लगे जोर जोर से, कहाँ गिनेंगे। एक साथ में ही फटाके फोड़ने लगे थे। अच्छा। सभी बच्चों से। तो फिर आपको कैसे, किसने बचाया, कैसे कोई आया? नहीं, हमारे साथ है ना, हमारे ड्राइवर को लगा नहीं ना, इसीलिए उसने गाड़ी एकदम भगा दी और आगे 2-3 किलोमीटर जाके ठहरी। फिर आजू बाजू के लोग थोड़े आए, तब तक तो पुलिस की फौज भी आ गई थी। आतंकियों की गोली इस महिला को भी लगी। इनसे सुनिए उस वक्त कैसा मंजर था। गोली चलने लगी तो हम लोग का तो आंखें बंद हो गया, कुछ देखे ही नहीं की। लेकिन हमारा ड्राइवर अच्छा था, 1.5-2 किलोमीटर गाड़ी
कितना भी गोलियां चलते गई वो गाड़ी भगाते ही गए, वो भगा के लाए तब तक पुलिस वहां पहुंच गई, गाड़ी रोक दी। तो पुलिस भाई लोग हम लोग को उठा के लाए, बहुत हम लोग का मेहरबानी किया और साथ दिए, लाके सब पट्टी उट्टी बांधी, दवा ववा दिए। जिन्होंने मौत को इतने नजदीक से देखा हो उनके दिलों में किस कदर खौफ पैबस्त होगा इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया उससे साफ है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को खुली चुनौती दी है। जाहिर सी बात है कि हर देशवासी अब चाह रहा है कि आतंकियों से हर हाल में इस कायराना करतूत का बदला लेना ही चाहिए। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अमरनाथ यात्रा को लेकर खतरे की बात पिछले महीने 25 जून को सामने आई थी। इस अलर्ट के बाद अभूतपूर्व स्तर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था, फिर कैसे हो गया आतंकी हमला, देखिए रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के बारे में आज तक मैं आपको बताया था। हमने आपको दिखाया था कि आतंकी हमले के खतरों को देखते हुए किस तरह सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन शिवाय छेड़ रखा है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से अमरनाथ यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही थी। अमरनाथ यात्रियों के लिए 3 स्तरों का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया था। अमरनाथ यात्रा को लेकर के इस बार बहुत ज्यादा आतंकी खतरा है। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकी इस बार बड़े स्तर पर इस यात्रा को निशाना बना सकते हैं। इसी के चलते जिस तरीके से आतंकी खतरा है वैसी ही सुरक्षा बलों की तैयारी है। जानकारी ये है कि सुरक्षा बल इस बार तीसरी आंख से उन आतंकियों पर नजर रखेंगे जो इस यात्रा पर ज्यादा खतरा फैलाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी उस पूरे इलाके की जहां से यात्री एक जगह से दूसरी जगह गुजरेंगे। दरअसल ये सुरक्षा इंतजाम 25 जून को कश्मीर जोन के आईजी की तरफ से जारी इस अलर्ट के बाद किया गया था। अलर्ट की खबर सबसे पहले आज तक नहीं दिखाई थी। अलर्ट में एसएसपी अनंतनाग से मिले सुरक्षा जानकारियों के मुताबिक आतंकवादियों को कम से कम 100 से 150 यात्रियों और करीब 100 पुलिस अफसरों को खत्म करने के निर्देश मिले हैं। आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर सकते हैं, पूरे देश को सांप्रदायिक तनाव में झोंकना इसका मकसद है। सवाल उठता है कि आतंकी हमले की इतनी पुख्ता जानकारी और हमले को नाकाम करने की सबसे बड़ी तैयारी के बावजूद आतंकी अपने मकसद में कैसे कामयाब हो गए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर और उस पर सवार अमरनाथ यात्रियों की तरफ से भारी लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से वो निशाने पर आ गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने एनएसए अजीत डोभाल को बताया कि सुबह 8:30 बजे काफिले को छोड़कर बस अलग हो गई थी। इसके बाद ये लोग शायद घूमने फिरने और खरीदारी करने के लिए श्रीनगर रुक गए। शाम 5 बजे बस पर सवार अमरनाथ यात्री अनंतनाग की तरफ बढ़े जहां 8:15 पर इस बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। क्योंकि बस न तो अमरनाथ साइन बोर्ड से रजिस्टर्ड थी और न ही बस यात्रियों ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी थी, इसलिए बस के साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। जबकि अमरनाथ यात्रियों को काफिले में लेकर चलने वाले हर वाहन को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। यही वजह है कि बस आसानी से दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रियों के काफिले को अपने मूवमेंट के बारे में जानकारी श्राइन बोर्ड को देना अनिवार्य है। यही नहीं, कश्मीर के सुरक्षा हालात को देखते हुए रात के वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ यात्रा की अनुमति नहीं है क्योंकि रात में आतंकी हमले का खतरा ज्यादा रहता है। इसके बावजूद अमरनाथ यात्रियों को लेकर रात में बस चालक सफर कर रहा था। अमरनाथ यात्रियों के मूवमेंट का सामान्य तरीका है, उसके मुताबिक पहलगाम से जम्मू की तरफ गाड़ियों को पूर्वान तक रवाना कर दिया जाता है ताकि दोपहर 1 बजे तक तमाम गाड़ियां कश्मीर से बाहर निकल जाएं। लेकिन जिस बस पर हमला हुआ उसके चालक ने इस नियम का पालन नहीं किया। यही चूक 7 अमरनाथ यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ गई।
शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।